नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे और आपके अपने चैनल में स्कोर प्लेयर। दोस्तों तो दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है, इस वीडियो में जो है हम जो है यूरोपियन लीग का जो है मैच कवर करने वाले हैं। यूरोपियन लीग का मैच जो होने वाला है दोस्तों, मैन यूनाइटेड वर्सेस अल्कमार के बीच में। तो दोस्तों ये जो मैच है, ये मैच जो है आज आपको जो है 10:30 बजे जो है होने वाला है, अराउंड जो है 10:25 पे जो है होने वाला है। ये मैच जो है 10:25 पे जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको जो है इस वीडियो में जो है दोनों टीम के जो है बेस्ट प्लेइंग सेवन, आपको इस वीडियो में जो है दोनों टीम के जो है बेस्ट प्लेइंग सेवन जो है बता दिए जाएंगे, जिससे जो आपको एक ईजिली जो है ट्रिक जो है पता चल जाएगी कि आप जो है बेस्ट प्लेइंग इलेवन जो है लेके जो है चल सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये जो मैच है, ये मैच है ग्रुप एल का मैच। तो ग्रुप एल का जो है ये मैच होने वाला है, तो ग्रुप एल का मैच होने वाला है। तो ये जो मैच है, ये सबसे पहले मैच हुआ था मैन यूनाइटेड का। तो ये जो मैच, अगर फर्स्ट मैच की बात करें तो फर्स्ट मैच में आपको जो बता देते हैं, फर्स्ट मैच जो हुआ था मैन यूनाइटेड का, वो मैच इन्होंने जो है ईजिली जो है विन कर लिया था। और उनका जो ये मैच था, ये मैच जो हुआ था, ये मैच हुआ था हमारी एस्ट्रेना की टीम के साथ। तो हमारा जो ये मैच है दोस्तों ग्रुप स्टेज ग्रुप एल का, तो सबसे पहला जो है मैन यूनाइटेड का मैच हुआ था, वो हुआ था एस्ट्रेना टीम के साथ। तो वो जो है मैच, जो हमारी यूनाइटेड टीम है मैन यूनाइटेड टीम, उन्होंने जो है ये मैच जो है ईजिली जो है विन जो है कर लिया था। और बात करें उनके लास्ट मैच के रिकॉर्ड्स की, तो आपको बता दें उनकी टीम में, अगर आप मैन यूनाइटेड के बहुत बड़े प्लेयर हैं और बेस्ट प्लेइंग सेवन जो है आप मैन यूनाइटेड की टीम से लेके चलते हैं, तो आपको जो है एक ग्रीनवुड प्लेयर करके जो है मिलेंगे। आपको जो है टीम में अभी हम दिखा भी देंगे, एक ग्रीनवुड करके जो है प्लेयर मिलेंगे, जो आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की एक बहुत अच्छी जो है चॉइस जो है आने वाले वीडियो में जो है आपको जो है देखने को जो है मिल जाएगी। और आपको बात करें इस टीम के, तो दोस्तों इस टीम के जो शूट्स थे, पिछले मैच के जो शूट्स थे वो थे 20 शूट्स। जो 20 शूट जो इन्होंने करे थे, 20 में से 7 शूट जो थे दोस्तों वो जो थे ऑन टारगेट थे। और बात करें पासिस की, तो 752 जो थे वो पासिस थे, एक ह्यूज अमाउंट की जो पासिस हो सकती है। और इसलिए जो है मुझे जितना लगता है, मेरी तरफ से जो है 95% जो है चांसेस जो मुझे लगते हैं, वो लगते हैं कि जो मैन यूनाइटेड की जो हमारी टीम है, वो ये मैच जो है ईजिली जो है विन कर सकती है दोस्तों। तो अगर बात करें हमारी जो नेक्स्ट टीम है, अगर बात करें दोस्तों हम अपनी नेक्स्ट टीम की, तो हमारी नेक्स्ट टीम है अल्कमार। तो अल्कमार की जो हमारी टीम है, उनका जो मैच हुआ था वो हुआ था पेट्स जैन के साथ। तो आपको जो है बता देते हैं इनके भी जो है पिछले मैच के जो है क्या रिकॉर्ड जो है रहे हैं। तो जो हमारी जो है अल्कमार की टीम है, उनका जो मैच हुआ था वो हुआ था पार्ट जिम के साथ। तो दोस्तों हमारी जो अल्कमार की टीम है, उनका गोलिंग, उनकी जो है गोलिंग है, पिछले मैच में तो थी 2 गोलिंग और मैन यूनाइटेड की गोलिंग थी वो थी 1 गोलिंग। तो आपको अगर बताएं दोनों टीम के बेस्ट प्लेयरों की, तो आपको जो है हमारी जो है अकमार की जो है टीम है, उनमें से आपको फॉरवर्ड के ऑप्शन में जो है मिलेंगे, वो मिलेंगे एम बोडू, जो आपके लिए कैप्टन और वाइस कैप्टन की जो एक बहुत अच्छी जो चॉइस होने वाली है। और फिर आपको जो है मिडफील्डर की रेंज में मिल जाएंगे सी स्टैंक्स और एम फोडू। ये दो नाम जो है आप जो है याद ज़रूर रखना, ये दोनों आपको जो है लेके चलने हैं, इनको जो है मिस जो है नहीं करना है। ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस के लिए। तो दोनों मेन प्लेयर हैं, ये मेन प्लेयर जो आपको मिलेंगे, ये मेन प्लेयर मिलेंगे आपको जो है हमारी अल्कमार की टीम के। और अगर बात करें पासिस की, तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी MUN की टीम के इतने पासिस है, तो इन्होंने जो है देखिए दोस्तों, बेस्ट चीज़ अगर आप नोटिस करें तो बेस्ट चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने 4 गोल करे, मतलब 4 शूट्स करे, सिर्फ 4 शूट, और 4 में से 2 शूट जो है ऑन टारगेट। तो मतलब ये जो एक अच्छा हिंट होने वाला है हम लोगों के लिए, कि अगर ये शूट करते हैं और गोल करते हैं, तो इसका मतलब इनके जो शूट जो हैं, कंपेरिजन बात करें हमारी मैन यूनाइटेड की टीम से, इतने ऑन टारगेट हैं कि ये 4 में से 2 गोल जो है इनके जो हैं इतने शूट पे जो है गए हैं। और बात करें पासिस की, तो 377 बहुत लो है MUN की टीम से, बहुत लो जो है इनके जो है पासिस हैं, लेकिन इनके जो है गोल हैं वो जो है बहुत अच्छे हैं। और कंपैरिजन करें मैन यूनाइटेड की टीम से, तो इनकी गोलिंग जो है मैन यूनाइटेड की टीम से जो है हद से ज़्यादा जो है अच्छी है दोस्तों। और बात करें दोनों टीम का मैच, तो दोस्तों दोनों टीम का जो मैच है, वो मैच होने वाला है कायरोसेरा, जो हमारा है कायरोसेरा स्टेडियम, उस स्टेडियम में जो है ये मैच होने वाला है। इस मैच को जो है आज जो है हम कवर करेंगे। और बात करें दोनों टीम की कोई विनिंग प्रोबेबिलिटी, तो एसएस तो अभी कोई जो है विनिंग प्रोबेबिलिटी जो है शो नहीं हो रही है। और जो है अभी जो है लाइनअप, मेन चीज़ होती है दोस्तों लाइनअप। तो लाइनअप जो है आपको जो है
हाफ एन आवर पहले, आधे घंटे पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो है मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसलिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर और हमारे साथ जो है टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जो है जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से आपको जो है बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं और आपको हम अपनी जो है पुरानी टीम्स भी जो है ज़रूर दिखाएंगे, जिनको देखकर आप अपने पॉइंट जो है कंपेयर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी टीम और आपकी टीम में कितना जो है डिफरेंस जो है आता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं दोनों टीम के बेस्ट सेवन की। तो मतलब मैन यूनाइटेड के बेस्ट सेवन आपको जो है बता देते हैं और फिर आपको बताएंगे अल्कमार के बेस्ट सेवन। तो चलिए दोस्तों आपको जो है बेस्ट सेवन की तरफ जो है लेके चलते हैं। हाँ तो दोस्तों बेस्ट सेवन बताने से पहले आपको बता दें, अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोग टेलीग्राम पे हैं और आपका लिंक जो है वर्क नहीं कर रहा है तो आप नॉर्मल ड्रीम इलेवन स्कोर प्लेयर सर्च करेंगे तो भी आपको जो है बहुत ईजिली जो है हमारा चैनल जो है मिल जाएगा दोस्तों। टेलीग्राम पे कुछ जुड़ने के फ़ायदे, तो जैसे कि मैंने आपको बताया आपको आधे घंटे पहले जो है आपको जो है लाइनअप मिल जाएगा। देखिए दोस्तों लाइनअप आपको भी पता है, आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि भाई लाइनअप जो हमें टेलीग्राम उस पर ड्रीम इलेवन पे तो मिल जाता है तो हम आपके साथ क्यों जुड़ें। तो दोस्तों टेलीग्राम पे और ड्रीम इलेवन में दोनों डिफरेंस है। अगर आप लाइनअप के लिए ड्रीम इलेवन पे सर्च करते हैं तो आपको लाइनअप मिलता है, आपको ये नहीं मिलता कौन से प्लेयर जो है कौन सी पोजीशन पे जो है खेलेंगे दोस्तों। हाँ तो दोस्तों देखिए लाइनअप जो है जो आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे उसमें आपको जो है प्लेयर की जो पोजीशंस मिल जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं आपको पता चलेगा फॉरवर्ड की पोजीशंस में कितने प्लेयर खेल रहे हैं, मिडफील्डर की पोजीशन में कितने प्लेयर खेल रहे हैं, डिफेंडर की पोजीशन पर जो है कितने प्लेयर खेल रहे हैं और गोल कीपर जो है कौन है। तो आपको जो है ड्रीम इलेवन ऐप में प्लेयरों की पोजीशन जो है नहीं पता चलती है, तो इसलिए अगर आप लोग लाइनअप देखना चाहते हैं तो बेस्ट लाइनअप जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप इजीली जो है ज्वाइन हो जाइए और आपको जो है बेस्ट टीम मिलेगी। अगर कल किसी ने जो है ये मैच खेला होगा तो उसको पता होगा ए हकीमी कैप्टन और वाइस कैप्टन जिसने बनाया वो 100% जो है विनिंग जोन में आया था और हमारा जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है एक हकीमी जो है वाइस कैप्टन की जो है रेंज में जो था। और हमारी जो कल की टीम है उनके पॉइंट्स की बात करें तो पॉइंट थे 100.5, तो 100.5 जो थे वो हमारे जो थे पॉइंट्स थे। हाँ तो दोस्तों अगर बात करते हैं हम दोनों टीम की बेस्ट सेवन की, तो सबसे पहले बात करते हैं अल्कमार की जो हमारी टीम है उनके जो है बेस्ट सेवन की बात करते हैं। तो हमें जो है गोलकीपर की चॉइस में मिलते हैं एम बिगोट एम बिजोट, ये जो है हमें जो है गोलकीपर की चॉइस में जो है देखने को जो है मिल जाएंगे अल्कमार की टीम से। और बात करें डिफेंडर की, तो डिफेंडर की टीम से हमें जो है प्लेयर जो है मिलते हैं, सबसे पहले मिलते हैं ओ विंगडेन। आपके पास जो चॉइस आती है आप गोलकीपर जो है एएलके की टीम का भी जो लेके चल सकते हैं, नहीं तो आप जो अगर बेस्ट सेवन जो है लेके चलना चाहते हैं डिफेंडर मिडफील्डर और फॉरवर्ड के ऑप्शन से जो है उनको भी लेके चल सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो ऑप्शन में आते हैं वो होते हैं ओ विजडल जो हमारे पास जो हमारे जो डिफेंडर हैं, फिर हमारे पास आते हैं आर व्लार ये भी हमारे जो है डिफेंडर हैं। ये दोनों जो आपको जो है लाइनअप में देखने के लिए जो है ज़रूर मिल जाएंगे दोस्तों। बात करें मिडफील्डर में, तो मिडफील्डर में हमारे पास जो चार ऑप्शन में आते हैं, सबसे पहले आते हैं सी स्टेंग जो आप जो कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस में आपको जो है देखने को मिल जाएंगे, आप इनको जो कैप्टन वाइस कैप्टन जो लेके जो चल सकते हैं दोस्तों। फिर आपके पास आते हैं डी डी वर्ट हैं, ये भी आपके लिए एक अच्छे प्लेयर जो है होने वाले हैं। फिर आपको जो मिल जाएंगे टी कॉम्प्रेस ये भी आपके पास एक अच्छा ऑप्शन जो आने वाला है, ये भी आपको जो लाइन नंबर देखने के लिए जो ज़रूर मिल सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें हमारे पास एफ मिट्सो आपको जो है सब्सिट्यूट्स के ऑप्शन में जो है मिल जाएंगे, मतलब ये जो है असिस्ट करते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन जो हो सकते हैं और आपको लाइनअप में देखने के लिए जो है मिल सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें फॉरवर्ड की, तो फॉरवर्ड के ऑप्शन हमारे पास आते हैं एम बाउडू आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, कैप्टन वाइस कैप्टन की जो है बेस्ट चॉइस जो हो सकती है जिनको आप लेके जो है चल सकते हैं दोस्तों। अगर बात करें टीम प्रीव्यू की, तो टीम प्रीव्यू में आपको जो है दोनों प्लेयर जो डिफेंडर की रेंज में मिलने वाले हैं और इनका जो है मोस्टली जो पास जाता है वो जाएगा हमारा जो है टी कॉप्स और हमारा जाएगा एफ मिट्सो, इनकी तरफ जो है इनका पास जाएगा। फिर उसके बाद जो है इन दोनों का पास जा सकता है वो जाता है एम डी वोट जो है सी स्टैंक्स और एम बेस्ट टू, इनका जो है गोल करने में जो है सबसे ज़्यादा हाथ रहता है और एम डी वोट जो है असिस्ट करने के ऑप्शन में जो आपको जो है सबसे ज़्यादा जो है देखने को मिल जाएंगे। नहीं तो आपको जो है टी कॉप्स और एफ मिट्सो इन तीनों में से कोई भी, देखिए दोस्तों जो ये तीन है ये तीन आपको जो है असिस्ट करने के ऑप्शन में जो है मिल जाएंगे और आपको जो है एम्बोगडू और सीशे ये आपको जो है गोल करने के ऑप्शन में जो है मिल जाएंगे। तो ये जो है असिस्ट करते हैं और ये जो है गोल करने के ऑप्शन में आपको जो है ज़रूर जो है मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं हमारी जो दूसरी टीम है मैन यूनाइटेड की, तो हमारी जो दूसरी टीम है मैन यूनाइटेड के उनके जो है बेस्ट सेवन आपको जो है बता देते हैं दोस्तों। चलिए उनको उनके जो उस मैन यूनाइटेड को जी टीम है उनके जो है बेस्ट सेवन आपको जो है बताते हैं दोस्तों।
हाँ तो दोस्तों बात करते हैं मैन यूनाइटेड। तो मैन यूनाइटेड की जो टीम है उनके जो है बेस्ट सेवन की बात करें तो आपको जो है देखने को मिल जाएंगे उसमें हमारे जो एस रोमीरो, एस रोमीरो आपको जो है गोलकीपर की चॉइस में जो है देखने को जो है मिल सकते हैं। और आपके पास डिफेंडर की बेस्ट चॉइस की बात करें तो डिफेंडर की चॉइस में आपको मिल जाएंगे ए टाउनजीबी, पी जोन्स और डी डॉलर। ये जो आपको जो है डिफेंडर के तीन जो है बेस्ट चॉइस में मिल जाएंगे और आपको जो है लाइनअप के ऑप्शन में भी जो देखने को जो ज़रूर मिल सकते हैं। दोस्तों बात करें मिडफील्डर की तो मिडफील्डर के ऑप्शन में जो आपको जो फ्रिज फ्रिज और एनमेटिक, एनमेटिक भी आपको जो है मिडफील्डर की रेंज में जो है देखने को जो है मिल सकते हैं। दोस्तों बात करें फॉरवर्ड की तो फॉरवर्ड के ऑप्शन में आपके पास एक बहुत अच्छी चॉइस आती है ग्रीनवुड। ग्रीनवुड आपके लिए कैप्टन वाइस कैप्टन की एक बहुत अच्छी ऑप्शन हो सकती है और ये जो है गोल या असिस्ट करने में आपको जो है देखने को जो है ज़रूर मिल जाएंगे। फिर आपके पास आते हैं फॉरवर्ड की चॉइस में एमरिश फोर्ड। एमरिश फोर्ड भी एक बहुत अच्छे प्लेयर है और आपके लिए एक बहुत अच्छा जो है ऑप्शन जो है हो सकता है। तो अगर बात करें बेस्ट सेवन की तो बेस्ट सेवन का मेन जो है ये तीन जो है असिस्ट जो है पास करते हैं फ्रीड और मैट्रिक को। फ्रीड और मैट्रिक का पास जो है जाते हैं ग्रीनवुड का और ग्रीनवुड का जो जाता है एमरिश फोर्ड। तो ये जो है ये कुछ इस हिसाब से जो है टीम जो है बनने वाली है। इन सब के जो है पासेज जो है मैंने आपको बता दिए। तो मेन चीज़ है इस टीम में से कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस अगर बात करें तो एम ग्रीनवुड और एम रिशफोर्ड इन दोनों में से कोई भी एक जो है आपको जो है कैप्टन वाइस कैप्टन के ऑप्शन में जो है देखने को जो है मिल जाएगा और आपका एक अच्छा ऑप्शन जो है हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपको जो है हम जो है इस टीम में जो है MUN की टीम को जो है फर्स्ट प्रेफरेंस जो है लेके चल रहे हैं जिसमें अब आपको जो है प्लेइंग 11 जो है पूरे करके जो है बता देते हैं। तो आपके पास आते हैं एम बोगडू, एम बोगडू आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन होने वाला है। फिर आपके पास आते हैं सी स्टैंक, सी स्टैंक आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन आने वाला है। गोलकीपर की चॉइस में आपको मिलेंगे एम बिगोट, एम बिगोट जो आपको जो गोलकीपर की जो चॉइस में मिलेंगे। फिर अगर बात करें अदर ऑप्शन की तो फिर आपको जो है मिलते हैं डी ड्यूबर, डी ड्यूबर ये आपको जो एक अच्छा ऑप्शन मिलने वाला है। तो ये जो है ये हमारे बेस्ट जो है प्लेइंग 11 जो है बेस्ट प्लेइंग 11 जो है होने वाले हैं और ये टीम हमारी जो है फाइनल टीम होने वाली है। अगर इसमें कोई टीम में कोई भी चेंजेस होंगे तो वो चेंजेस आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो इसलिए अगर आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको जो है लिंक जो है मिल जाएगा दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अगर आप लोग अभी तक हमारी वीडियोज़ देख रहे हैं तो इसका मतलब आप जो है हमारी वीडियोज़ को ईजिली जो है समझते हैं और एक अंडरस्टैंडिंग टीम जो है बना सकते हैं। इसलिए अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को ज़रूर जो है सब्सक्राइब करें। नीचे आपको सब्सक्राइब का नोटिफिकेशन आइकन जो है बेल का जो है मिल जाएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को जो है ऑल कर दीजिए और सब्सक्राइब के बटन को जो है दबा दीजिए दोस्तों। हाँ तो दोस्तों इस वीडियो को जो है यहीं ख़त्म करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को जो है यहीं ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।